हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो क्या था, थोड़ी हमको सर्दी जुकाम थी तो हम बना रहे हैं हल्दी वाला दूध। तो हमने दूध में डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी और इसमें डाल दिया है थोड़ी, ये है थोड़ी ये काली मिर्च, और अब उसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि मीठा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। क्या अभी थोड़ी मौसम यहाँ का थोड़ी सर्दी जुकाम वाला चालू हो गया है, तो यहाँ पर सर्दी जुकाम सभी को नॉर्मली हो रही है, और हल्का हल्का थोड़ी सा फीवर है, हल्का हल्का, क्योंकि सर्दी जुकाम है तो थोड़ी फीवर भी है हल्का सा। चलिए हम थोड़ी सी भी को दिखाते हैं आपको। क्या शिवी यहाँ सो रही है क्या? उसको भी हल्का हल्का थोड़ी सा फीवर है, हल्का हल्का थोड़ी सा उसको फीवर है। सर्दी तो नहीं है, बस थोड़ी हल्का हल्का नाम मात्र का थोड़ी फीवर है। उसको भी हम दवाई, अभी तो शिवी सो रही है, हमने उसको ये पैरासीटामोल है, ये हमने पैरासीटामोल उसको दे दिया है। हम उसको डेली सुबह शाम दे रहे हैं, क्योंकि इस समय उसका मौसम ही ऐसा चल रहा है कि फीवर का टाइम है हर चीज़ का, तो हम सभी को ये सुबह शाम ये दे देते हैं, ये पैरासीटामोल है। तो चलिए हम दूध को देखते हैं। अभी तो दूध में उबाल नहीं आया है, अब दूध में उबाल आ रहा है क्योंकि हमने इंडक्शन को थोड़ी तेज कर दिया है। तो गाइस देखिए, दूध गर्म हो रहा है। तो आपको भी अगर सर्दी हो रही है तो आप भी ज़रूर ये काली मिर्च हल्दी वाला दूध पिए, तो आपकी सर्दी में भी काफ़ी आराम होगा। आप ये दूध पी के देखिए, अगर आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये दूध पीने से आपको आराम हुआ है कि नहीं है। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लौंग भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ इलायची थी, इलायची और काली मिर्ची, तो मैंने सिर्फ यही दो ऐड किया है। तो अब हमारा दूध उबल चुका है, तो अब हम इसको कप में डालते हैं। इसमें चाय पत्ती ऐड ना करें, ये चाय पत्ती नहीं है, ये सिर्फ काली मिर्च और इलायची है। ये हमारा मलाई वाला दूध और हल्दी वाला दूध रेडी हो गया है। अब हम इसको पीते हैं और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। देखिए सभी उठ चुके, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ, रोते नहीं है, आ उठ जाओ बिल्लू, उठ जाओ, हाँ जा, उठ जाओ, आ जाओ, उठ जाओ। अरे यार भुक्कू भुक्कू चढ़ी बेटो को, अरे लिए भुक्कू भुक्कू चढ़ी है, भुक्कू भुक्कू चढ़ी है, हाँ उठ जाओ उठ जाओ, दब्बू पिलाए आपको, उठ जाओ उठो, दब्बू पिलाए उठो, दब्बू पिलाए, हाँ उठो दब्बू पिलाए बिल्लू, हाँ उठो उठ जाओ। ओ बाबूले उड़ गए आप, हाय कर लो, हाय हाय करो, हाय कैसे करती शिबू, शिबू हाय कैसे करते हो, हाय कैसे करते हो, ऐसे हाय हाय ऐसे हाय। बच्चों की तबीयत खराब होती तो कितने मासूम लगते, कितने मासूम लगते। हाँ चलो आ जाओ, चलो उठो, आपका मुंह धुला दें, आपका मुंह धुला दें, हाँ ऐसे मुंह धुला दें आपका, हाँ चलो चलो उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो जल्दी,
कैसे अड़ गई। हाँ चलो चलो चलो। देखिए गाइस, आज क्या शिवी की तबीयत खराब है, तो आज वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है, रो रही है। क्यों रो रहे बेटा, क्या हो गया? आज इसकी क्या तबीयत खराब है तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मतलब उसको अब जैसा भी लग रहा हो वो बस किन 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 रो रही है, बस उसको पूरा टाइम रोना हो रहा है। ना खेल रही है ना कुछ कर रही है। सिवी हाय नहीं करोगे आज? उसको क्या रात से फीवर हो गया है, उसको नहलाया धुलाया, उसको फीवर है। उसका फीवर नहीं होता रहा शिवी का। हाय कर लो आप एक बार। हाय, हाय मैं वीडियो नहीं बना रहा। इसको ऐसे ऐसे थंब में लगाओ। हाँ लगाओ। ये क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगा लिया आपने? इसके पापा ने पल्स ऑक्सीमीटर लेके आए थे इसका हार्ट बीट चेक करने के लिए, और इसका ऑक्सीजन कितना है वो चेक करने के लिए लेके आए थे इसके पापा ने। क्या हो गया? नहीं उंगली में फंसा लो, उंगली में फंसाओ, उंगली फंसाओ। नहीं यार उसको उंगली फंसाओ बिट्टू। उंगली में फंसाओ। हाँ ऐसे ये फंस गया उंगली में, ये फंस गया उंगली में। टंग 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 टंग। आप भी लो, आप भी फंसा लो उंगली में, लो। आज ये ना खेल रही है ना हंस रही है, बस इसका किन किन चालू है। क्यों शिबू? तो गाइस सिबी की तबीयत खराब थी, अभी वो थोड़ी सही हुई है। दिन भर से उसको बहुत ज्यादा फीवर था, और ये हमने दूध में इसकी दवाई घोल दिया है, और ये थोड़ी हमने दवाई के डोज बना दिए हैं। ये अब सिवी को उसके पापा उसको दवाई पिलाएंगे। हाँ सिवी को दवाई पिलाओ। देखिए सिवी दवाई पीती तो कैसा पीती है। तो थोड़ा 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 और बस, मम्मी को पिला दे। सीबी ने दवाई पी लिया है, तो ये जो डोज बनाए हुए हैं 3-4 प्रकार की दवाई को पीस के, इसके हमने ये अलग अलग डोज बनाया हुआ है 3 टाइम देने के लिए। अब सीबी को 3ों टाइम दवाई देनी पड़ेगी। तो आप हमारे वीडियो, तो गाइस आप हमारे वीडियो में बने, छी आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर। सी भी बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय।